हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे। जी हां फ्रेंड, आपने अभी तक बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें आपको बताया गया है कि आप अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को डिलीट करने का बस एक ही तरीका है, तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको वही तरीका दिखाने वाला हूँ लाइव। तो आप इसके लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब गाइज, आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट परमानेंटली या फिर हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब गाइज, आपको अकाउंट डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपके सामने फ्लिपकार्ट अकाउंट में जो माय अकाउंट का डैशबोर्ड होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाना है, और अब आप जैसे सबसे नीचे जाएंगे तो अब गाइस यहाँ पे आपको अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर दिख लिखा हुआ हेल्प सेंटर का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 24/7 कस्टमर सपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ नीचे जाएंगे तो अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिख लिखा हुआ है आई वांट हेल्प विथ अदर इशूज, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वहाँ इशू पे क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिख लिखा हुआ है अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज पे तो आपके सामने बहुत सारा इशू यहाँ पे आ जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिख लिखा हुआ है आई वांट टू डीएक्टिवेट माय फ्लिपकार्ट अकाउंट, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि किसी अकाउंट को डिलीट करना या डीएक्टिवेट करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो आप वाकई में सच हैं, आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि किसी अकाउंट को डिलीट करना और डीएक्टिवेट करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो अभी गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो अगर आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो जो आपका अकाउंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे आई वांट टू डीएक्टिवेट माय फ्लिपकार्ट अकाउंट। तो अभी देखिएगा, जब जैसे क्लिक करेंगे डीएक्टिवेट अकाउंट पे, तो अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपने अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आप यकीन रखिए आपका जो अकाउंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का स्टेप बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि आप फ्लिपकार्ट अकाउंट में जाएंगे, वहाँ गो टू माय अकाउंट, उसके बाद आप सेटिंग को चूज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ से अपना पासवर्ड डालेंगे आपके अकाउंट का जो भी होगा। उसके बाद आप यहाँ दोबारा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे। तो अब गाइस आपको इसके लिए यहाँ से बैक आ जानी है और आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के होम इंटरफेस में आ जाना है। अब जैसे ही आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में दोबारा अपने अकाउंट में बैक आ जाते हैं तो अब गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट पे। जैसे ही आप अकाउंट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे ले जाना है, और अब जैसे ही आप यहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो अभी गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे। तो अब गाइस जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब गाइस आपको यहाँ पर सबसे नीचे देखिए ऑप्शन मिला है डीएक्टिवेट अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पे देख लिखा हुआ है पासवर्ड, तो अब यहाँ पे आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट का जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे कन्फर्म डीएक्टिवेशन। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के यहाँ कन्फर्म डीएक्टिवेशन पे क्लिक करता हूँ, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपका जो अकाउंट होगा वो डीएक्टिवेट न होने के बजाय आपका जो अकाउंट होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल उसके लिए चलिए यहाँ से मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म डीएक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, तो अब आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट होगा वो डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अभी गाइस यहाँ पे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इस बंदे ने तो अभी हमको जो है फ्लिपकार्ट अकाउंट को डीएक्टिवेट करना बताया बल्कि डिलीट करना नहीं बताया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका अकाउंट हो कैसे डिलीट होगा।
तो फ्रेंड मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को डिलीट करने के लिए इसका जो ये शर्त है फ्रेंड, अगर आप इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिए हैं फ्रेंड, तो अगर आप एक महीने के अंदर आप इस अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट नहीं करते हैं, मतलब कि री लॉगिन नहीं करते हैं इस नंबर से, जिस नंबर से आपका अकाउंट बना था, जिसको अभी आप डीएक्टिवेट किए हैं, तो आपका जो ये अकाउंट होगा वो एक महीने बाद अपने आप जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड आप एक महीने के अंदर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, मतलब कि आप रीएक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका जो ये अकाउंट होगा वो डिलीट नहीं होगा, तो फिर से आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर से आपको एक महीने का वेट करना पड़ेगा, तभी आपका जो अकाउंट डिलीट होगा। सो आई होप गाइज कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।